उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए राहत की खबर। टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो आया सामने। मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए बात भी की गई। मणिपुर हिंसा में पीड़ित महिलाओं को दी गई 5 करोड़ की सहायता राशि। सुनवाई के दौरान मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। कोचिंग सेंटर्स से ज्यादा माता पिता डाल रहे दबाव। कोटा में हो रही आत्महत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पावर प्ले। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा आज करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम पर वार। कहा 23-24 साल तक सीएम और पीएम रहने के बावजूद खुद को कहते हैं गरीब, जनता को करते हैं गुमराह। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर एनआईए ने दर्ज किया केस। खालिस्तानी आतंकी ने कुछ दिनों पहले एयर इंडिया के यात्रियों को दी थी धमकी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा दावा। कहा विश्व कप में भारत की हार के लिए बीजेपी जिम्मेदार। पीएम और गृह मंत्री के पहुंचने से खिलाड़ियों पर आया दबाव। अलीगढ़ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक्शन। विभाग ने संदिग्धों पर मारी छापेमारी। औषधि प्रशासन और ड्रग्स विभाग मिलकर चला रहे अभियान। हलाल सर्टिफिकेट मामले में योगी सरकार पर भड़के सपा सांसद। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा ये एंटी मुस्लिम है इसलिए बैन लगा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रही योगी सरकार। 7,000 करोड़ की लागत से यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जाएंगे औद्योगिक गलियारे। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।